नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 18 सितंबर को हुए जिम ट्रेनर पर हमले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 23 तारीख तक कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह उद्भेदन किस तरीके से किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से पुलिस ने सब पर अपनी गिरफ्त बनाई। साथ ही साथ उन्होंने एक कारण ये भी बताया, क्योंकि इससे पहले जब डॉक्टर राजीव और खुशबू सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार ना कह के हिरासत में लिया गया था और उनसे बातचीत की गई थी, उसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में आई कि आखिर पुलिस ने आरोपियों को छोड़ा क्यों। इसकी भी जानकारी उपेंद्र शर्मा ने दी कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत जानकारी देते हुए उपेंद्र शर्मा ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। और आज 5 दिन बाद 23 तारीख है, कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक वहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो कि जिम ट्रेनर हैं, जिनका नाम है विक्रम सिंह। उनको सवेरे के टाइम में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली से हमला किया गया था। 4 से 5 गोलियां लगी थी। इंजरी रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन किस्मत से वो बच गए, उनकी जान बच गई। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया, पीएमसीएच में उनका इलाज चला था। और उन्हीं के बयान पर सेम डे एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें कि उन्होंने अपनी एक पुरानी साथी और उनके पति को नेम्ड किया। उनकी फ्रेंड खुशबू और उनके पति डॉक्टर राजीव, ये दोनों लोग पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। निम्न एफ आई आर हुआ, उन्हीं का साइन है, उन्हीं के बयान पे हुआ है। आज भी उनसे हम लोगों की बात हुई है और इन 5 दिनों में उनका बयान कभी नहीं बदला। ये एफ आई आर दर्ज होने के बाद सेम डे विद इन आवर्स हम लोगों ने उनको उठाया था। डॉक्टर राजीव को और उनकी पत्नी जो हैं, जो कि विक्रम की फ्रेंड रही हुई हैं, उन लोगों को हम लोग थाना लेकर आए थे और उनसे पूछताछ हुई थी इस एफ आई आर के लाइट में, और इससे जुड़े चीज़ों को जानने का प्रयास किया गया था। जो खुशबू हैं उनसे काफ़ी डिटेल बातें हुई, सिटी एसपी और एएसपी टाउन, एसएचओ कदम कुआं और एसएचओ पाटलिपुत्रा, और महिला पुलिस भी थी, और उनसे प्रॉपर डिटेल पूछताछ में इन्होंने इस बात से इनकार नहीं उन्होंने किया कि इनसे कोई इनका संपर्क है। इस बात को उन्होंने माना कि हम लोग की दोस्ती थी, और जो झगड़ा की बात एफआईआर में विक्टिम बताते हैं उस वो भी उन्होंने माना कि हाँ झगड़ा होता था, कुछ पैसे का लेन देन था। बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज पे था केस, काफ़ी सेंसिटिव था, मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया था और इसको काफ़ी वायरल भी किया। और लेकिन इसमें जो दो एक्यूज थे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, ऊपर से एक महिला है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम लोगों ने हेस्ट में निर्णय नहीं लिया, कानून की एक फिलॉसफी है और एक नोशन है कि भले 100 गुनहगार छूट जाए, एक भी बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद मीडिया में काफ़ी सूप भी हुआ कि पुलिस ने छोड़ दिया। हम लोग दो टीम लगाए, एक हम लोगों ने खंगाला डॉक्टर और उनके जो पत्नी है जो कि विक्टिम की दोस्त हैं उनके इतिहास को, और बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया। और घटनास्थल से हम लोग अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से अपराधियों के ठिकाने तक पहुँचे जहाँ से अपराधी शुरू हुए थे। अपराधी भागवत नगर के एक पर्टिकुलर कॉलोनी, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक मकान है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग किराए का कमरा लिए थे 2 महीना पहले, 14,000 रुपये उसका रेंट था, और वो कमरा तीनों शूटर में से एक शूटर ने लिया था। इस कार्य को करने में 24-48 घंटे लगे हम लोग को ट्रेस करने में, लेकिन चूँकि हम लोगों ने जो कैमरा देखा था वो कैमरा दुर्भाग्य से उसी घर का था, तो क्रिमिनल्स को ये पता चल गया था कि पुलिस इन तक पहुंच रही है, और उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सौभाग्य से और अपने दुर्भाग्य से वो लोग पकड़े गए।
वो लोग पटने के बाद उन लोगों ने अपनी सहभागिता इस क्राइम में कबूली, किसके कहने पे घटना की थी उसको भी कबूला, उस आदमी का भी नाम बताया, उस आदमी को भी हम लोग ले आए, उनको लाने में लेट हुआ, वो भाग के दिल्ली चले गए थे, उनके परिवार पर दबिश दी गई, उनको दिल्ली से बुलाया गया और उन्होंने फिर वही कहानी दोहराई। जो निकल के बातें आ रही हैं वो ये है कि एक व्यक्ति है मिहिर नाम का, जो दानापुर का रहने वाला है, उनका आज से 5-6 साल पहले तक संबंध रहा है खुशबू से। ये खुशबू ने भी माना है अपने पूछताछ के दौरान, संबंध किस लेवल का रहा है, इन दोनों में विरोधाभास है। मिहिर कुछ बताते हैं और जो महिला है वो उसे इनकार करती है। आप लोग इशारा समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूँ। जो विक्टिम है विक्रम सिंह से हम लोगों ने एक टेस्ट पीरियड में एनालिसिस किया है, 1 सितंबर 2020 से लेकर आज तक, इनफैक्ट आज तक नहीं कहना चाहिए, मई 2021 तक, विक्रम सिंह के 2 नंबर से खुशबू सिंह की बात है। लगभग 1875 कॉल हैं, 5.5 लाख सेकेंड के कॉल हैं। उसके अलावा इस दौरान सितंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक विक्रम और राजीव, जो डॉक्टर राजीव हैं, उनके भी कॉल्स हैं, हालांकि बहुत कम है, 13 है, ऐसा मान के चल सकते हैं कि जब जब लड़ाई हुआ होगा तब वो बात किए होंगे। मिहिर सिंह की बातचीत पुरानी नहीं मिल पाती है, टेक्निकल हम लोगों के पास लिमिटेशन होता है, 2 साल से पुराना CDR निकालना मुश्किल होता है। लेकिन संयोग है कि जिस दिन से बात बंद हुआ है विक्रम से, उसके अगले दिन से बात शुरू हो जाता है मिहिर से मई 2021 से लेकर आज तक में कुल मिलाकर 900 कॉल हैं और लगभग 4 लाख सेकंड के कॉल हैं। उसके बाद हम लोग ने शूटर्स को पकड़ने के बाद तार जोड़ने के लिए शूटर्स के CDR का एनालिसिस किया। उधर हम लोग डॉक्टर और उनकी पत्नी के CDR का एनालिसिस कर रहे थे, इसमें पूरा क्लियर तार जुड़ता हुआ दिखा। जो मिहिर है उसने शूटर से बात की है। मिहिर ने अपने एक कज़िन जिसका नाम है सूरज के माध्यम से 2 लोगों को सेट किया और ये सेटिंग सावन के पहले हो चुकी है और मिहिर के अनुसार ये सेटिंग के लिए पैसा 2.5 से 3 लाख उन लोगों ने मांगा था और चूँकि ये पुराने दोस्त रहे हुए 5-6 साल पहले के, इनको खुशबू ने बताया था कि इसको रास्ते से हटाना है, मुझे बहुत तंग किया है, बहुत परेशान करता है। दूसरा वर्जन मीडिया में चल रहा है जो विक्रम का वर्जन है, जिसका ऑडियो भी वायरल है। विक्रम का कहना है कि खुशबू के द्वारा उनको परेशान किया गया, जो कि ऑडियो में अपने आप में टेस्टिमनी है। 2.5 से 3 लाख रुपये उन लोगों ने मांगा था, 1,85,000 2 से 3 टाइम में खुशबू सिंह ने मिहिर को दिया। मिहिर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, दोस्ती के चक्कर में दबाव में आकर इन्होंने ये कार्य किया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये अपराध में पूरी तरह सम्मिलित हैं, उसमें अपनी सहभागिता को जाहिर कर रहे हैं। सेंट माइकल स्कूल है पाटलिपुत्रा में, वहाँ पर एक एक्सिस बैंक है, वहाँ पर सावन के दौरान संध्या के टाइम में 7 से 8 बजे के आसपास की बात है, जिस वक्त पैसे की लेनदेन की बात होती है, कार से महिला आई थी, उनके गाड़ी में एक और महिला भी थी और जो संभवतः उनकी दोस्त थी, जैसा कि मिहिर बताते हैं, और पैसा दिया गया। मिहिर ने 2 महीने पहले पैसा दिया था, काम नहीं हो रहा था तो मिहिर इस पूरे घटनाक्रम में उलझ के रह गया था, ये चाहता था पैसा वापस लेके वापस खुशबू को दे दें और हम इसमें से निकले, लेकिन संभवतः ऐसा हुआ नहीं, दबाव हुआ और घटना 18 तारीख को घटी। तो अभी आपने सुना पटना के SSP उपेंद्र शर्मा को, उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि CDR के मदद से इस केस का उद्भेदन किया गया और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बताई कि खुशबू सिंह द्वारा जब विक्रम से खुशबू सिंह का संपर्क टूट गया या उन दोनों के रिश्तों में खट्टे मीठे अनुभव आने लगे, विरोधाभास होने लगा, उसके बाद खुशबू सिंह अपने एक पुरानी साथी मिहिर के संपर्क में आती है। कॉल डिटेल से कई बातें सामने आई और साथ ही साथ पटना के SSP ने एक और बात बताई कि इसमें 2 लोगों की और संलिप्तता है जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जल्द ही पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।